My name is Mufid Akhtar son of Maulana Jasim Raza from Alipur, Karnataka, India. I am 12 years old. मैं इमाम हसन अलैहि सलाम के बहुत सारे वाक़ों में से एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इमाम हसन अलैहि सलाम हज़रत अली अलैहि सलाम और फ़ातिमा ज़हरा के सबसे बड़े बेटे जिन्होंने आगोश पैगंबर में तरबियत पाई. रसूल खुदा इमाम हसन अलैहि सलाम को बेहद मोहब्बत करते थे. रसूल खुदा के तमाम जंगों में इमाम हसन अलैहि सलाम साथ रहते थे और इमाम हसन अलैहि सलाम अपने माल को अमानत के तौर पर रखते थे और उनकी कोशिश ये थी कि माल गरीबों मिसकीनों और मोहताजों तक पहुंचा सके. इमाम हसन अलैहि सलाम को जोदो बख्शिश से पहचाने जाते थे. इमाम हसन अलैहि सलाम दो मरतबा अपना सारा माल गरीबों मिसकीनों और तीन मरतबा अपना सारा माल गरीबों और मिसकीनों में तकसीम कर दिया और दो मरतबा अपना सारा माल मोहताजों में तकसीम कर दिया. एक वक्त का वाकया है कि एक अरब शख्स सहाबी इमाम हसन अलैहि सलाम के पास आता है और फरमाता है कि ए मेरे आका, ऐ मेरे मौला, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है. तो इमाम हसन अलैहि सलाम अपने ग़ुलाम से कहते हैं कि जाओ, जाकर इस संदूक में जितने भी पैसे हैं वो ले आकर इस सहाबी इस शख्स के हवाले कर दो. तो उस सहाबी ने इमाम हसन अलैहि सलाम से कहा कि ऐ मेरे मौला, आपने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं कहूँ. तो इमाम हसन अलैहि सलाम कहते हैं कि किस लिए. तो उस सहाबी ने कहा कि ऐ मेरे आका, मुझे जितने पैसों की ज़रूरत है बस मुझे उतने ही पैसे चाहिए. तो इमाम हसन अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपने ज़रूरत को बयान करो और शर्मिंदगी हासिल करो. मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़रूरत को बयान करो और शर्मिंदगी हासिल करो. और हमारा ख़ानदान ऐसा नहीं है, हमारा घराना ऐसा है कि जो कुछ भी हमारे पास रहता है वो सारा माल गरीबों मिसकीनों और मोहताजों में तकसीम कर देते हैं. तो उस इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बातों को सुनकर इमाम हसन के चाहने वाले ने सवाल किया कि ऐ मेरे आका, आपके पास जो कुछ भी था आपने इस सहाबी को दे दिया, तो आपके पास अब क्या है. तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी था वो सारा खुदा का ही दिया हुआ था और मैं ये चाहता हूँ कि खुदा फिर मुझे दे और मैं फिर गरीबों मिसकीनों में तकसीम करता रहूँ. और मुझे इसी बात का डर है कि मैं गरीबों मिसकीनों में तकसीम ना करूँ और ख़ुदा भी मुझे देना बंद कर दे ताकि मैं ज़रूरतमंदों की उनकी ज़रूरतों को पूरी ना कर सकूँ. क्योंकि मैं खुद खुदा के इनायतों का मोहताज हूँ. खुदा ने मुझे एक आदत दी है कि जो कुछ भी मेरे पास रहता है वो सारा माल गरीबों मिसकीनों और मोहताजों में तकसीम कर देता हूँ. खुदा पर पूरा भरोसा रखता हूँ कि वो फिर मुझे माल देगा और मैं ऐसे ही खुदा के कहने में गरीबों मिसकीनों और मोहताजों में तकसीम करता रहूँगा. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.